गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय संस्कृत और चैप्टर हमारा फर्स्ट है सूची पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। हमने इस चैप्टर का की भूमिका पढ़ ली थी और फर्स्ट श्लोक भी पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड श्लोक है और सेकंड श्लोक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। काजल मलिनम का होता है काजल सा मलिन अर्थात मैला, काजल के जैसा मैला। धूम धूम का अर्थ होता है धुआं। मुंचति मुंचति का होता है छोड़ता है। सत शक्तियानम सत शक्तियानम का होता है सैकड़ों मोटर गाड़ियों। वास्तियान माला का अर्थ होता है रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती वितरंती का होता है देती हुई या छोड़ती हुई। ध्वनि ध्वनि का होता है कोला हलम। समसरणम का होता है चलना। ठीक है, ये थे कठिन शब्दार्थ। आइए अब श्लोक को पढ़ते हैं। कजल मलिनम धूम मुंचति सत सटिकायानम वास्पियान माला समधावी वितरंती ध्वनम। याना नाम भक्तयो अनंता कठिन स्वरणम सूची पर्यावरण। इसमें कवि क्या कह रहा है श्लोक में कि कजल मलिनम काजल के जैसा मैला धूम धुआ मुंचति छोड़ती है कौन सत छोड़ती है। वास्पियान माला जो रेलगाड़िया है वो संभावती वितरंती ध्वनम। जो रेलगाड़िया है वो भी ध्वनम अर्थात कोलाहल करती हुई शोर करती हुई संभावती दौड़ रही है। महानगरों में जो रेलगाड़िया है वो भी कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। याना नाम अर्थात इन महानों की कतारों में पंक्तियों अर्थात कतारों में अनंत अनंत पंक्तियां अर्थात इतनी पंक्तियां है जो महानगरों में सड़क पर इतनी गाड़ियां चल रही है इतनी पंक्तियों में गाड़ियां चल रही है। यहाँ पर कठिन संसरणम अर्थात चलना भी कठिन हो गया है, वहां से निकलना भी कठिन हो गया है हमारा। तो कविलास में कहता है सूची पर्यावरण कि हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड श्लोक था। इसे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।